महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत के विभिन्न पात्र, चाहे वह है कौरव, पांडव, कर्ण या कृष्ण हो, या फिर शिखंडी, शल्य या कृपाचार्य हो, इन सभी की चर्चा आज भी की जाती है। महाभारत से जुड़े तथ्यों पर आज भी बातें होती हैं और इनसे जुड़े कई रहस्यों को खोजा जा रहा है। दरअसल महाभारत का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि महाभारत के कारण ही आज का वर्तमान अस्तित्व आया है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी मौजूद हैं और महाभारत के साक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। सिंधु घाटी के नगर क्यों नष्ट हुए यह अभी तक पता नहीं। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5,500 साल पहले हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए थे। महाभारत में एक घटना का जिक्र है जब महाबली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। जब महाभारत में लाक्षा ग्रह की घटना हुई थी तो एक सुरंग के जरिए पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। ये सुरंग आज भी है जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या बारनावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम बारनावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षाग्रह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी एक टीले के रूप में मौजूद है। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। ब्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहां महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। बिहार के राजगृह में स्थित कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। दिल्ली को उस काल का इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मान्यता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई थी और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे कई प्राचीन और पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा जाता है। ये थे महाभारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थल जो आज भी इस बात का सबूत है कि महाभारत की घटना हुई थी और यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।